नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एपी फार्मेसी में फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि महिला जब प्रेग्नेंट होती है, नहीं महिला गर्भवती होती है, तो उसको किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है। तो हो सकता है कि वो किसी प्रकार की एलर्जी रिएक्शन हो, या हो सकता है उसको किसी प्रकार के रैशे हो गया हो, या हो सकता है किसी प्रकार के लाल चकते हों, यानी किसी प्रकार की स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो जाती है। तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, वह क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। तो दोस्तों, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो नॉर्मली पेशेंट होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि सिट्रिजिन दे देते हैं, या हो सकता है कि हम लोसार्टाडिन दे सकते हैं, या फैक्सोफिनाडिन यानी कि जो एलेग्रा आती है 120 या 180 वो दे देते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी यानी जो गर्भवती महिला होती है उनको ये हम बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि इससे उनके बेबी को यानी जो पेट में बच्चा उसको खतरा हो सकता है। यानी महिला गर्भवती है तो वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में जो बच्चा है उसको खतरा हो सकता है, इसलिए हम ये नहीं देते। बल्कि इसकी जगह जो सेफ ट्रीटमेंट है वो हम आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सेफली ट्रीटमेंट की बात करें तो सेफली ट्रीटमेंट में हम क्लोरोफिनरामाइन टेबलेट दे सकते हैं, जो मार्केट में आपको अवेलेबल है, जो आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाके ले सकते हैं, जो कि टिपला एसआर या टिपला के नाम से मिल जाएगी, या नॉर्मली आप अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी नाम से ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम प्रोमेथाजिन दे सकते हैं, नहीं प्रोमेथाजिन भी हमें उस पेशेंट को दे सकते हैं, नहीं जो महिला गर्भवती है उसको हम प्रोमेथाजिन भी दे सकते हैं, यानी उसको किसी प्रकार की एलर्जी हुई है या एलर्जिक रिएक्शन है, किसी प्रकार की खुजली चल रही है, यानी जो गर्भवती महिला उसको किसी प्रकार की खुजली चल रही है तो हम ये दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एलर्जी से रिलेटेड और कोई ट्रीटमेंट पूछना चाहते हैं, और कुछ बात पूछना चाहते हैं प्रेग्नेंट महिला के बारे में यानी गर्भवती महिला के बारे में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आप हमें जरूर कमेंट में बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर आपको ज्यादा अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसी नई नई मेडिकल की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।